इंडिया की ऐसी हैपनिंग डेस्टिनेशन जहां आपको एक तरफ राजस्थान की तरह दिखने वाली भूरी बंजर रेतीला व्यू मिलेगी, एक साइड केरल की हरियाणी देखने को मिलेगी, एक साइड झील तो दूसरी ओर ऊंची पहाड़ियों में ये सुंदर घाटियों में ये सांप जैसे लोग। ऐसा अद्भुत और आकर्षक है लद्दाख। सो गाइस, वेलकम टू लद्दाख, द प्राइड ऑफ इंडिया। After 2 days of acclimatization in and around Leh, we are heading towards Nubra Valley, which is at higher altitude, and we will be pretty comfortable to enjoy the beauty of Nubra Valley. Leh से Nubra Valley जाने के लिए हमें Khardungla Pass होके जाना पड़ेगा. So Khardungla is the gateway to Nubra and Shayok Valley. लेह से खारदुंगला की दूरी है 40 किलोमीटर्स, बट यू विल एंजॉय द रूट एंड द रोड एंड द ब्यूटीफुल थ्रिलिंग वैली। ऑन द वे टूवर्ड्स खारदुंगला, ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं। आफ्टर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ हाइट, यू कैन एंजॉय द एंटायर स्ट्रेच ऑफ लद्दाख फ्रॉम दिस सीनिक पॉइंट। हम अभी साउथ पुल्लू पहुंच चुके हैं। दिस इज ए चेक पोस्ट एंड वी हैव टू शो अवर इनर लाइन परमिट हियर टू एंटर फर्दर। आप ऊपर उस पहाड़ पे देख सकते हैं, वो है खारदुंगला। Khardungla is the favorite spot among adventure bikers, cyclists and adventure lovers. It is the end point of the famous Manali to Leh cycle or bike trip, which ultimately ends in Leh. And if someone puts extra effort, he can reach up to the highest point, Khardungla. And finally, 40 km दूर Leh से हम खारदुंगला पहुंच गए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं, एंड दिस इज द फेवरेट स्पॉट अमंग टूरिस्ट्स। सो वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज खारदुंगला। Built in 1976 and opened in 1988, this Khardungla is very important for India as it's used to carry supplies to Siachen Glacier. So this is Khardungla Pass. I am at the top of the world. This is highest motorable road in the world. 18,360 feet high. So I can feel the dyspnea here. Very thin air. Very low oxygen. So this is snow. For the first time we are touching the snow. Wow. From the top you can get the scenic view of Karakoram range and Himalayas. So this is the month of October. एंड अभी यहाँ पे बर्फ जमने शुरू हो गई है, एंड विद इन 1 month यू विल सी द होल हिल विल बी कवर्ड इन स्नो। अभी हम ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं एंड वी हैव रीच द नॉर्थ पुल्लू चेक पोस्ट। वी हैव टू शो अवर इनर लाइन परमिट हियर विच इज नीडेड टू एंटर द Nubra Valley. This inner line permit will be issued by Ladakh Autonomous Hill Development Council. ये है बंगली ढाबा जो नॉर्थ पुलू चेक पोस्ट के पास ही है।
आप यहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेके रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। एंड सरप्राइजिंग टू सी, यहाँ पे एक भी डस्टबिन हमें नहीं मिली। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू सी इनटू दिस, अदरवाइज दिस ब्यूटिफुल प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ लिटर। नॉर्थ पुल्लू के बाद नुब्रा वैली एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। यू कैन फाइंड सम डिफरेंसेस व्हेन कंपेयर टू इंडस वैली इन ले। सो द खारदुंगला पास डिवाइड्स द टू रिवर वैलीज, वन द इंडस रिवर वैली एंड द अदर शायक रिवर वैली इन नुब्रा। अभी हम पहुंच चुके हैं खारदुंग विलेज आफ्टर क्रॉसिंग द खारदुंगला। इन लद्दाखी लैंग्वेज ला मीन्स पासेज, सो खारदुंगला वॉज ए पासेज टू रीच द खारदुंग विलेज। ये गांव बहुत ही सुंदर है एंड थोड़ी हरियाली भी देखने को मिल रही है। अभी हम ले से 96 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये है खालसार विलेज। ये एक मिलिट्री कैंप भी है और यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। सो ये एक बिजी जंक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं पे लंच करना प्रेफर करते हैं, बट वी आर नॉट फीलिंग एनी हंगर, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द दिस्कित मॉनेस्ट्री एंड वहीं पे हम लंच करेंगे। इन एंड अराउंड ले हमने इंडस रिवर को देखा और ये है शायक नदी। पूरे नुब्रा वैली में हमें इसी नदी को देखना है। गहरी घाटियों को चीरती हुई ये शायक नदी बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ नदी के किनारे ये छोटे छोटे पत्थर पेबल्स हमें दिख रहे हैं। मन कर रहा है हम ऐसे ही उतर कर उन पत्थरों के साथ खेलें। वाह क्या सीन है। रास्ते में आपको बहुत सारे ऑफ रोड गो कार्टिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू कैन स्टॉप हियर एंड एंजॉय द गो कार्टिंग इन दिस लद्दाख वैली। दिस स्ट्रेच ऑफ रोड इज फुल स्ट्रेट टू द होराइजन एंड दोनों तरफ दूर दूर तक कोई घर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वो रहा दिस्कित मोनास्ट्री, उस पहाड़ के ऊपर हम पहुंच गए। ये है दिस्कित विलेज, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर नुब्रा वैली। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। फर्स्ट वी विल विजिट द मोनास्ट्री, देन वी विल हैव लंच। इन घुमावदार रास्तों में मोनास्ट्री की तरफ जाने का थ्रिल ही कुछ अलग है। And from the way, you can see the entire valley of Nubra Valley. Thiskit Monastery is the largest and oldest in Nubra, and it is also called as Diskit Gompa. अभी हम Thiskit Monastery के कैंपस में एंटर कर रहे हैं। पहले हम यहाँ टिकट्स लेंगे। टिकट का कॉस्ट है ₹30 पर हेड। दिस कैंपस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्लीन एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। अभी हम मोनास्ट्री से फ्यूचर बुद्धा की तरफ जा रहे हैं। दिस मोनास्ट्री वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी बाय चांगजेन शेराब जांगपो। That's the first look of Maitreya Buddha or Jampa Buddha or Future Buddha. And this statue is beautiful in this Nubra Valley. हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है। अभी हम चल के स्टैचू के पास जाएंगे। ये स्टैचू बहुत ही सुंदर लग रही है और यहाँ से आपको पूरी नुब्रा वैली का नज़ारा देख सकते हैं। This place and the statue was built with a desire of
protection of Diskit village, promotion of world peace, and prevention of further wars with our neighbor Pakistan. मैत्रेय बुद्धा की ये कलरफुल स्टैच्यू 108 फीट टॉल है, जो समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचे स्थित इस पहाड़ी पे बना है। मैत्रेय बुद्धा एक फ्यूचर बुद्धा है, बुद्धा ऑफ फ्यूचर, टेक्निकली नॉट येट ए बुद्धा, बिलीव टू बी बोधिसत्व हु विल अपीयर इन द अर्थ इन द फ्यूचर, विल अचीव निर्वाणा and will teach the people of earth the values of peace and dharma. Noted for its intricate carvings, brilliant craftsmanship and vivid colors, this statue was inaugurated by His Excellency Dalai Lama in 2010. The statue faces the beautiful Shayok River, and from the base of statue you can enjoy the gorgeous panoramic view of entire Nubra Valley. Monastery visit ke baad ab bahut bhook lagi hai aur hum khane ke talash mein Diskit village aaye hain aur yahan par ek Punjabi dhaba mil gaya hai on the way towards Hundar. Do din continuous traditional Tibetan food ke baad bahut bore lag raha hai. Now it's time to change the taste. Let's see what's there in the menu. So we have North Indian food like tandoori roti, chole, chicken butter masala and aloo paratha. Diskit mein swadisht Punjabi khana khane ke baad ab hum ja rahe hain Hundar, जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है। सडनली यू विल फाइंड द सैंड अलोंग द रोड और यहां से आपको सैंड ड्यून्स का पहला नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सैंड ड्यून्स को हिंदी में बोलते हैं बालू के टीले, जो नुब्रा वैली या हुंडर का एक शानदार अट्रैक्शन पॉइंट है। Hundar in Nubra Valley is a naturally blessed for its high altitude cold desert surrounded by mighty wall like mountains. And suddenly yahan pe mausam badal chuka hai, tez hawa aa rahi hai jo ret ko udate hue sand dunes banati hai. Yahi karan hai yahan pe sand dunes hone ka. ये जगह ठंडी मरुभूमि या कोल्ड डेजर्ट में जैसे ओएसिस या शादवाल की तरह लगती है, जो बहुत ही आकर्षक है। वाव, व्हाट ए ब्रेथ टेकिंग व्यू दिस हुंडर इज। यहाँ पे आप आर्चरी, तीर कमान, साइकिलिंग का भी मजा ले सकते हैं और ये जगह चारों ओर विशालकाय दीवार की तरह इस बड़े बड़े पर्वतों से घिरी हुई है। एंड दिस डिफरेंट लुकिंग कैमल इज द हीरो ऑफ दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस। वाव, सो किड्स आर सरप्राइज्ड टू सी दिस टाइप ऑफ कैमल, डबल हम्प कैमल। दिस डिफरेंट लुकिंग कैमल इज कॉल्ड बैक्ट्रियन कैमल और डबल हम्प कैमल। इसके पीठ में दो हम्प्स हैं जो लेटर बी की तरह दिखती हैं। दे आर शॉर्ट हाइटेड एंड हैवियर देन द यूजुअल सिंगल हम्प ड्रोमेडरीज और इंडियन कैमल्स। 25 मिनट की सफारी का प्राइस है पर पर्सन पर राइड ₹300। The two humps on these special camels
enable them to develop resistance to cold, drought and high altitude. This camel ride in sand dunes of Hundar Nubra Valley is not to mess at all thing when you come to Ladakh. It's a lifetime thrilling experience. After camel ride and sand dunes, now it's the time to rest. It's already evening 6 pm and we have booked our two nights stay at this Himalayan desert villa jo sand dunes ke bahut nazdeek hai. You can enjoy the campfire here. Is thandi mein campfire ka maza hi kuch aur hai. Aur yahan pe you can find good garden too. And wo raha sand dunes. अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है. इट लुक्स सो गुड, वेल मेंटेन्ड, वेरी क्लीन. एंड दिस इज अवर रूम, फुल ऑफ वुडन इंटीरियर्स, वुडन सीलिंग. यू कैन जस्ट सी द व्यू फ्रॉम द विंडो. या ब्यूटीफुल. So it's night time actually, it's not been seen, but you can see whole sand dunes. This side you can see mountains. Yeah. Yes. So guys, do subscribe my channel Doc2 for all such traveling vlogs. Thank you.